हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो टॉपिक का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोनों इक्वेशन है, यहाँ पे आपको एक्स टू दी पावर 2550 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2550 की वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए वीडियो का सॉल्यूशन करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ध्यान से देखिए, पहले आपको जो गिवन है उसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3। मैं इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दूंगा। अब ध्यान से देखिए, मैं पावर इंक्रीज करूंगा, यानी कि दोनों तरफ मैं क्यूब लूंगा। तो ध्यान से देखिए, क्यूबिंग बोथ साइड इन 1 वी गेट, ध्यान से देखिए, तो यहां पे आएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इक्वल टू रूट 3 का होल क्यूब। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो a प्लस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला, उसे यूज करके मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का जो होल क्यूब की जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला की मदद से इसको मैं ब्रेक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 अपॉन x, तो x क्यूब आएगा प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3 को तीन बार मल्टीप्लाई करने पर 3 रूट 3 आता है। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। देखिए एक्स और एक्स कैंसिल, तो यहां पर एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस 1 क्यूब 1 हो जाएगा, और नीचे एक्स का क्यूब, तो यहां पर एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू। आप ध्यान से देखिए, नंबर 1 पे यहाँ पे जो x प्लस 1 x की वैल्यू रूट 3, तो मैं इसे यहाँ पे बैठा दूंगा और यहाँ पे आएगा 3 रूट 3। आप ध्यान से देखिए, 3 रूट 3 यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, जब इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो 0 हो जाएगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखिए दोनों तरफ एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पे एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0 इंटू एक्स क्यूब। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहां पे आएगा एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करने पर एक्स टू दी पावर 6 आता है प्लस एक्स क्यूब और 1 अपॉन एक्स क्यूब। ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये 1 हो जाएगा, तो यहां पे 1 हो जाएगा, और यहां पे 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। तो अल्टीमेट ध्यान से देखिए, तो यहां पे x टू दी पावर 6 की वैल्यू जो होगा प्लस इधर है, तो जब इधर जाएगा तो यहां पे माइनस हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट करके देता हूं, तो x टू दी पावर 6 की वैल्यू माइनस 1, तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालना होगा x टू दी पावर 2550 की। तो ध्यान से देखिए, पहले इसको लिख लीजिए, तो x टू दी पावर 2550 इक्वल टू, ध्यान से देखिए मैं पावर को ब्रेक करूंगा। ध्यान से देखिए, एक पावर रूल की फॉर्मूला होता है, अगर x टू दी पावर m होल टू दी पावर n होता है तो उसकी वैल्यू x टू दी पावर m इंटू n के बराबर होता है। तो मैं 2550 को 6 के मल्टीप्लो में ब्रेक करूंगा, तो यहां पे आएगा x टू दी पावर 6 इंटू 425। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं लिखूंगा x टू दी पावर mn की पावर में, यानी कि x टू दी पावर 6 होल टू दी पावर 425। अब ध्यान से देखिए, x टू दी पावर 6 की वैल्यू क्या है, माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 का जो पावर होगा 425 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 425 एक ऑड नंबर है, 425 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर पे जब माइनस 1 की पावर में होगा तो आपको माइनस 1 दे देगा। ध्यान से देखिए, सिमिलरली तो ध्यान से देखिए, तो x टू दी पावर 2550 की वैल्यू माइनस 1 मिल गया। अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ पे देखिए x टू दी पावर 2550 की वैल्यू आपको माइनस 1 मिल गया है। तो ध्यान से देखिए, जब मैं इसको उल्टा करूंगा, दोनों तरफ उल्टा कर दूंगा, तो यहाँ पे 2550 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 भी उल्टा हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 1 जो कि माइनस 1 आपको दे देगा। अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू माइनस 1, इसकी वैल्यू माइनस 1, अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। ध्यान से देखिए, तो एक्स टू दी पावर 2550 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2550 इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1,
तो माइनस वन एड होके यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो इसका आंसर होगा वो होगा माइनस टू। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।